तेजस्वी की उंगली के इशारे पर राज्य सरकार नहीं चलेगी ना। राज्य सरकार तो जनता की इच्छा पर, जनता की जरूरतों पर, जनता के हितों के व्यापक सवाल पर चलती है। तेजस्वी की जो राजनीति है उनके उंगली के इशारे पर जो चला रहे हैं उस इशारे पर राज्य सरकार तो चलने के लिए बाध्य नहीं है। जातीय जनगणना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार की शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि मुख्यमंत्री जातीय जनगणना कराएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी। इस पर देर होने के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए कहा था कि सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का। वहीं अब सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जातीय जनगणना को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बिहार के लिए जातिगत बहुत आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना ऐसा विषय नहीं है कि जिसके बिना बिहार डूब रहा है और धरती हिल रही है। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव के इशारे पर सरकार नहीं चलेगी, जातीय जनगणना कराना राज्यों का अधिकार है। हालांकि अमरेंद्र प्रताप सिंह ने फिर ये भी कहा कि यदि भविष्य में जरूरत होगी तो सरकार जातीय जनगणना कराएगी। ये उचित अनुचित तो लोग विचार करेंगे, जिन्हें करना है वो करेंगे, लेकिन जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार को करना है, तो उसने तो स्पष्ट कर दिया है कि भाई इस बार तो संभव नहीं है और आगे डिजिटल जातीय जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार ने कमिटमेंट किया, वो हो जाएगा। अब बीच के समय में ये सब मांग उठी है, लेकिन मुझे तो तजुब है कि 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह जी रहे हैं, उनके समय में ये बात क्यों नहीं उठी? और जो लोग आज इसको एक सवाल और मुद्दा बना करके चाहते हैं और उस पर कोई राजनीति करना इस नियत से इस मामले को उठा रहे हैं, तो वह लोग तो उस सरकार में थे, तो उस समय इन लोगों ने क्यों नहीं ये बात की? तो मनमोहन सिंह के समय उन्होंने, जब वो सत्ता में थे, वो थे, उसमें उनकी भागीदारी थी और केंद्र सरकार को ही करना था, तो मनमोहन सिंह के समय में करवा लिए रहते सारी गिनती उस समय। अब ये गिनती जानवरों की होती है तो इनकी होती है, उनकी होती है, तो आदमी की क्यों नहीं सकती? ये तमाम जो तर्क दिए जा रहे हैं, ये तर्क उस समय क्यों नहीं दिए गए? हम तो यही बात, हर लोग के मन में ये सवाल उठ रहा है और आज भी ये सवाल जो उठा है इस तरह से, तो ये सवाल बीच में क्यों उठा? जब जनगणना का काम इतना आगे बढ़ चुका है, जब बीच में सब कुछ रोक करके फिर ये गणना नहीं की जा सकती, तो सारी गणना ही रुक जाएगी और वो संभव नहीं है। और केंद्र सरकार ने तमाम टेक्निकल और बाकी सब अपनी परिस्थितियों को बता दिया है और कह दिया है कि ये संभव नहीं है, और यह भी कह दिया है कि राज्य सरकार, अगर कोई राज्य सरकार चाहती है जातीय जनगणना कराना तो वो अपने राज्य में करा सकती है। तो बिहार में इसकी जरूरत है, अभी हो जाएगा? बिहार में अगर जरूरत है, माननीय मुख्यमंत्री समझ रहे हैं, सरकार समझ रही है, तो वो लोग करवा सकते हैं, करेंगे। आपका सहयोग रहेगा उसमें? आपका सहयोग रहेगा उसमें? आप लोग चाहते हैं कि बीजेपी? अब देखते हैं कि सरकार का फैसला क्या होता है, सरकार का निर्णय क्या होता है। देखिए, हम लोग तो केंद्र सरकार का जो ये निर्णय है कि जातीय जनगणना संभव नहीं है देश में, तो ये बात तो समझ रहे हैं और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री और बिहार की सरकार भी इसको समझ रही है, इन सारी कठिनाइयों को समझ रही है, लेकिन जातीय जनगणना जरूरी है, सामने देखिए, यह भी लोग समझने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से अगर बिहार में है, सरकार चाहेगी तो इसको करवाए। आपको बता दें कि बीते दिनों तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कहा था कि जातीय जनगणना पर कुछ काम शुरू हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार की बातों पर पूरा भरोसा उन्हें है। तेजस्वी यादव ने यह भी जानकारी दी कि जातिगत जनगणना को लेकर फिलहाल उनकी यात्रा स्थगित कर दी गई है। राजद नेता ने कहा कि अगर नीतीश कुमार ने कह दिया है कि जातिगत जनगणना कराएंगे या फिर नहीं कराएंगे, तो सड़क पर उतरने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होगा। फिलहाल जब आश्वासन दिया गया है तो इंतजार करना ही जरूरी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर करें।